हेलो सेवन्थ क्लास, ये पार्ट सेकंड है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग स्पीड। तो हैविंग लर्नड अबाउट टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, यदि आपको टाइम और डिस्टेंस पता लग जाए तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यदि आपको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो आप क्या कीजिए, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको उसकी क्या मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड मिल जाएगी। तो आपके साथ कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, जैसे कि पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये ए पिक्चर, जैसे कि इसको बोलते हैं सन डायल, और ये जंतर मंतर में है बच्चों, जो दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। ये सैंड क्लॉक है जो आप देख रहे हो, और ये एक वाटर क्लॉक है, ठीक है। इस पर एक अलग से बर्तन रखा गया पानी का, ये इसके ऊपर चलता रहता है वाटर क्लॉक। और ये एक बॉय है जिसने क्या किया, एक बॉल को अपने हाथ से पकड़ रखा था पहले जब वो रेस्ट में था, जैसे उसने उसको अपने हाथ से फेंका, थोड़ी दूर के बाद इसकी पोजीशन पहले नंबर पे आई, फिर दूसरे नंबर पे आई, तीसरे पे आई। आप देख रहे हो लगातार टाइम के साथ इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और कुछ ये भी है, जैसे कि आपको यदि अपने स्कूल की घर से डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो आप क्या कीजिए, आप अपने स्कूल की डिस्टेंस को, जब अपने कितना टाइम लगा आप स्कूल तक आने में, आपको कितना टाइम लगा साइकिल पे आने में, तो आप उससे भी क्या निकाल सकते हो, स्पीड। इस केस में भी आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वॉकिंग पे भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि पैदल चलने से, मान लीजिए स्कूल से आप घर जा रहे हो, पैदल आपका घर कितनी दूर है, मान लो 100 मीटर है, और उसको टाइम लगता है, आपको टाइम लगता है 2 मिनट, तो आपकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर मिनट, है ना। आपको क्या किया, आपने अपने डिस्टेंस को टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसमें मतलब आपको बस यही जानना होता है कि स्पीड कैसे निकालेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस को टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, चाहे फिर वो वॉकिंग हो चाहे वो फिर साइकिलिंग हो, ठीक है ना। चलिए और कुछ देखते हैं। ये टेबल है, इसमें आप चाहो तो अपना ग्रुप ऐड कर सकते हो। ग्रुप में आप जैसे साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, और भी चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हो। आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, जिससे आप अपनी क्या निकाल लोगे, स्पीड निकाल लोगे। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी होता है, आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये कुछ फॉर्मूले थे। अब बुजो कहता है कि क्या कोई ऐसा डिवाइस आता है जो स्पीड भी अपने आप ही निकाल देता है। तो आपने मोटरसाइकिल वगैरह में देखा होगा स्पीडोमीटर, गाड़ियों के अंदर भी देखा होगा। स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंट स्पीड बता देता है कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है ना। और वो स्पीड नापता है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए, ये इस तरह का आपने देखा होगा, ये फिगर नंबर इस तरह से देखा होगा, ये ओडोमीटर है, ठीक है ना। तो बच्चों, तो इसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरफ आपकी डिस्टेंस होगी, दूसरी तरफ आपका टाइम होगा, ठीक है ना, और उसको हम ग्राफ में बनाएंगे। तो पहले इस टेबल को देखिए, मैं आपको बताता चलता हूँ। 8 AM पे ओडोमीटर की रीडिंग थी 36540, डिस्टेंस ज़ीरो थी। 8:30 पे क्या हुआ, वो 60 हो गई, तो कितनी हो गई भाई, 20 हो गई, फिर ऐसे 40, फिर 60, 80, टाइम हो गए हैं, ठीक है। देर इज आल्सो अनदर मीटर डेट मेजर डिस्टेंस मोड बाय द व्हीकल, दिस इज नोन एज ओडोमीटर, ठीक है। एक ओडोमीटर भी होता है भाई, जो क्या करता है आपकी डिस्टेंस मोड बाय द व्हीकल, है ना। दूसरा ये मेजर करता है डिस्टेंस को, ओडोमीटर, ठीक है ना। स्पीडोमीटर आपकी स्पीड को नापता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, तो पहले तो ये देखिए, जो ये ग्राफ देख रहे हो ना, ग्राफ के टाइप बताता हूँ। इसमें ये अपने बार से देखिए, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं बच्चों। जैसे कि एक पे जो ये बार ग्राफ है ना, इस पे ये रन ओ टीम के थ्रू बनाए गए ओवर है। फर्स्ट ओवर में इसकी हाइट देख लो, मैक्सिमम रन पे कितनी गई है, तो 1, तो 1 रन बनाए। उसी तरह सेकंड ओवर में कितने रन बने, तो वो 5 पे, तो 5 हो गए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि 6 पे कितने रन बने थे। तो आप देख रहे होंगे 6 ओवर में 6 रन ही बने थे,
ठीक है ना। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं बार ग्राफ। इसके अलावा और ग्राफ भी होता है ना, पाई चार्ट होता है जिसमें एक सर्कल बनाया जाता है। चलिए ये भी देख लीजिए, ये देखिए ये है आपका, तो बच्चों ये है एक पाई चार्ट, इसमें एक सर्कल बनाया गया है जिसमें ऑक्सीजन आप देख रहे हो और अदर गैसेस भी देख रहे हो, नाइट्रोजन देख रहे हो, तो इसमें नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा है आप देख रहे हो ना। दूसरा ग्राफ है लाइन ग्राफ, इसमें क्या होता है, लाइन ग्राफ के अंदर एक लाइन बनाई जाती है जैसे कि आप ये देख रहे हो, इस तरफ एक एक्स एक्सिस होती है नीचे की ओर और जो खड़ी हुई है ना वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और एक होता है बच्चों ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं तो आप देखिए, मैं आपको बताता चलता हूँ। एक लाइन खींचिए एक्स डैक्स एक्स, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरी एक लाइन खींचिए, इसको बोलते हैं वाई वाई डैश, जिसका नाम होता है वर्टिकल एक्सिस, जहाँ ये दोनों काटती हैं उसको बोलते हैं ओरिजन। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर हमने किस पे, ये हमने जो ग्राफ बनाया ये ग्राफ पेपर पे बना दिया, ठीक है ना। अब जैसे कि देखिए मैं आपको बताता चलता हूँ, जैसे टाइम है जीरो तो डिस्टेंस है जीरो, टाइम है वन तो डिस्टेंस है वन, इसको ग्राफ बनाइए। तो क्या करना है आपको, ग्राफ पे एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस खींचनी है, ठीक है ना, और इस तरह से बना देना। जब आप बनाओगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल इस तरह से आएगा। तो जैसे आप, मैं बोलूँ कि एक मिनट पे कितनी डिस्टेंस की थी तो एक की थी, दो मिनट पे कितनी की थी दो की थी, तो हमें ग्राफ में क्या मिल जाती है, डार्क डिस्टेंस मिल जाती है ना। तो ये ग्राफ होते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे इसके बारे में हम जो बड़ी क्लासेस में आएंगे तो इसके ऊपर डीपली पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये आपका लेसन ख़त्म हो गया है, जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जल्दी ही इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।